ओबीसी संरक्षण को नहीं सरकार को घेरिला बीजेपी निज भूल को मानिबा को नाराज बीजेडी सरकार पछुआ वर्गों पर राज्य सरकार को कुंभीर कांदना 137तम संविधान संशोधन बिल गृहीत होगा पर 50% संरक्षण सीमा को हटेबा अड़ी बसी बीजेडी जहां उपर बुधवार राज्यसभा राज्य सरकार को केंद्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कड़ा जवाब देता बेले पुणी सांबादिक सम्मेलन करी ओडिशा सरकार को काठगड़ा को टाणी खाइला कर राज्य बीजेपी ओडिशा रे 21 वर्ष धरी एक स्थायी सरकार रही राज्य में 52% रु अधिक पछुआ वर्ग रही आज भी राज्य में ओबीसी वर्ग कहीं अवहेलित कारण पछुआ वर्गों पर राज्य सरकार आद आंतरिकता नहीं गोटेपटे संसद में संशोधित बिल को बीजेडी सांसद माने समर्थन करे अंपटे संरक्षण सीमा को 50% रु अधिक कर दावी करी बीजेडी नाटक करजेपी यह सहित तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र भली ओडिशा रे मध्य संरक्षण सीमा को राज्य सरकार 50% रु अधिक करबा पई सुप्रीम कोर्ट जीवा को किए मना करछि बोली बीजेपी प्रश्न करछि। ओडिशा में आज भी लिस्ट है, आपको कौन मना किया था सुप्रीम कोर्ट आने में 2014 में? आपको एक दिखाना था। 52% लोग ओडिशा में पिछड़े जाति के हैं, आपकी मन में क्या है भगवान को प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ को मालूम होगा। आप सांकेतिक रूप में चले गए हाई कोर्ट में, किसी ने मना किया था आपको सुप्रीम कोर्ट आने के लिए? धर्म को आठी ठार मारी के ये जो चुपचाप रही जीवा निजो को स्वच्छ देखेबा पई ये सब आळो बहाना जदि आंतरिकता रहिबो ताहाले प्राप्य रु ओडिसा रा पछुआ वर्ग को केही भी वंचित कर परिबेनी। तेंक सरकार आंतरिकता देखंतु असहिष्णुता छाडंतु राज्य सरकार पछुआ वर्ग विरोधी जदि पछुआ वर्गों पर दर्द अच्छी तेज पाठपढ़ा क्षेत्र में 10% संरक्षण व्यवस्था कहीं करूना बोली प्रश्न कांग्रेस एमाने केवल पछुआ वर्गर भोट हाथेबा राज्य सरकार एभली नीति को आपणई बोली कांग्रेस पछुआ वर्गों भोट हाथी जो देखा जाए गोटे ललिपपटा देखा जाए आम आप क्रियाशील अच्छे नहांती आपड़ पछुआ वर्ग करना नहीं चाकरी संरक्षण अल्प जो 10% कथ 10-12% आप पाने कहीं करना यहीं कि पिला भोट पाइबा कष्ट से भोट दिं न दिखती चाकरिया भोट पाइबे तेनाली दि जाऊँ ये सस्ता राजनीति तेज प्रश्न उठू आगुरु क्योंकि राज्य सरकार कहीं जाऊना सुप्रीम कोर्ट प्रकृत में ओडिशा रे ओबीसी वर्ग निजर हक पाइबे तो ना बीजेडी दाबी केवल भोट बैंक राजनीति में सीमित रही। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रदीप्त मल्लिक सहित प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।